हेलो फ्रेंड्स, कुकिंग विद रेनू में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्विक और इजी स्नैक्स रेसिपी। इसको आप बच्चों के लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं, इवनिंग स्नैक्स के रूप में ले सकते हैं। ये बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाती है, टेस्ट में भी बहुत ही अच्छी होती है, बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो चलिए देख लेते हैं इस रेसिपी के लिए हमें किन-किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। यहाँ मैंने 6 से 7 ब्रेड के पीसेस लिए हैं। थोड़ा सा मैंने ये पत्ता गोभी लिया है, इसको कद्दूकस कर लिया है। 2 चम्मच के लगभग शिमला मिर्च, इसको भी बारीक कट कर लिया है। एक छोटी सी प्याज, इसको भी बारीक कट कर लिया है। आधा चम्मच चाट मसाला, थोड़ी सी आलू भुजिया, 2 उबले हुए आलू, इनको मैंने कद्दूकस कर लिया है। आधा चम्मच नमक, 2 चम्मच टोमेटो केचप, ये होममेड टोमेटो केचप है, इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और 1 चम्मच मोजरेला चीज़ लिया है, इसको भी मैंने कद्दूकस कर लिया है। और 1 चम्मच यहाँ पर हम ग्रीन चिली सॉस का यूज़ करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर हरी मिर्च, लाल मिर्च, कैसी भी मिर्च का यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम स्पेशली इसको बच्चों के लिए बना रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। अब हमने जो ब्रेड की स्लाइसेस ली हैं, हम एक स्लाइस इसमें से लेंगे। यहाँ पर मैंने गिलास का यूज़ किया है, क्योंकि इसकी किनारी थोड़ी तेज़ धार वाली होती है। आप चाहें तो कोई कटोरी वगैरह। मैंने यहाँ पर आलू भुजिया ली है, ये देखिए इस तरह से। और जो हमने ये दूसरा पीस सॉस लगा के रेडी किया है, इससे इसको कवर कर देंगे। ऐसे ही हम दूसरा पीस भी तैयार करते हैं। ये देखिए, हमने जो मिक्सचर रेडी किया था उसको रख लिया। इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़े से सेब, आलू भुजिया, और दूसरे पीस से इसको इस तरह से कवर कर देंगे। तो इसी तरह से अपने सारे पीसेस बना के रेडी कर लेते हैं। ये देखिए, हमने सारे अपने ब्रेड के पीसेस
इस तरह से स्टफिंग भर के तैयार कर लिए हैं। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। रख दिया है, गैस की फ्लेम ऑन कर देते हैं और थोड़े से देसी घी से मैं इसको ग्रीस कर दूंगी। आप चाहें तो बटर का यूज़ भी कर सकते हैं। ये देखिए, अब इसके बाद जो हमने ये ब्रेड की स्लाइसेस तैयार की हैं बना के, इनको हम एक एक करके इसमें लगा देंगे और इसको पलट पलट के गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हल्का सा हम सेक लेते हैं। थोड़ा सा घी हम इसके ऊपर भी लगा देंगे जिससे कि दोनों साइड अच्छे से सिक के हमारी तैयार हो जाए। ये देखिए, हमने इनको पलट पलट के गोल्डन ब्राउन होने तक इनको सेक लिया है। अब देखिए, दोनों साइड दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए कितने बढ़िया सिक्के तैयार हुए हैं। तो इनको अब एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं। देखिए, सेकने के बाद हमने इनको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब नेक्स्ट प्रोसेस में जो हमने ये टोमेटो केचप लिया है, ये देखिए, इसको मैं इस तरह से साइड से ऐसे थोड़ा थोड़ा लगा दूंगी। ये देखिए, जिससे कि ये टेस्ट में भी और बहुत अच्छा लगेगा और देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा, तो बच्चे फटाफट से खा लेते हैं। फिर ये देखिए इस तरह से, अब जो मैंने सेब आलू भुजिया ली थी, इसको हम थोड़ा सा इस पर डाल देंगे। ये देखिए, तो एक पीस हमारा ये बन के रेडी हो गया। आप चाहें तो बीच में से इसको कट भी कर सकते हैं, मैं कट करके भी अभी दिखाऊंगी। तो इसी तरह से करते हुए हम अपने सारे पीस रेडी कर लेते हैं। ये देखिए, एक और देखिए, इस तरह से टोमेटो केचप ये लगाने के बाद जो आलू भुजिया ली है उसको हम इसके ऊपर डाल देंगे। ये देखिए, तो इसी तरह से अपने सारे पीसेस तैयार करके रेडी कर लेते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। ये देखिए, इस तरह से हमने सारे पीसेस अपने करके रेडी कर लिए हैं। आप चाहें तो इनको बीच में से कट भी कर सकते हैं, तो मैं एक आपको कट करके बता देती हूँ। ये देखिए, हमने कट कर लिया। इस साइड भी हम थोड़ा सा टोमेटो केचप लगाएंगे और इस पर भी हम थोड़ी सी जो हमने आलू भुजिया ली है उसको डाल देंगे। तो ये देखिए, तो आप चाहें जिस तरह से उस तरह से आप बच्चों को बना के दे सकते हैं। ये देखिए, ये देखने में जितना सुंदर लग रहा है ना, खाने में भी उतना ही टेस्टी लगेगा। तो ये थी आज की मेरी सिंपल सी रेसिपी। प्लीज़ ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।